बच्चों, आपके पसंदीदा YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज जिस चैप्टर को मैं अभी एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं आप सभी को, वो चैप्टर है क्लास 10 का चैप्टर 12 जो है इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स का पहला चैप्टर है क्लास 10 का, उसके विषय में मैं अभी एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। तो एक्सप्लेनेशन करने से पहले कुछ सुझाव देना चाहता हूँ आप लोगों को। पहला सुझाव जो है, इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का टॉपिक ठीक तरीके से समझना है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना है, लाइक करना है इस वीडियो के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को एटलीस्ट 50 लाइक मिलेंगे, क्योंकि मेरे पास सब्सक्राइबर अभी कम है। तो 50 लाइक की उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को, आप लोग ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को लाइक, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों में, कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। दूसरा सुझाव है कि अगर आपको बंगाली वीडियोस देखना है तो फिर आप जो है मदर नेचर चैनल को देख सकते हैं। उस चैनल में सर रूपम स्पेशली बंगाली क्लासेस दे रहे हैं, बंगाली ऑनलाइन क्लासेस वो दे रहे हैं बच्चों के लिए, क्लास 9 और 10 के बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो बनाया जा रहा है बंगाली क्लासेस के लिए। हम लोग एक टीम होकर काम कर रहे हैं इस पर, ताकि बच्चों को यथायथ हेल्प किया जा सके। तो अगर आप बंगाली स्टूडेंट हैं, अगर आपका MIL बंगाली है, तो फिर आप बिंदास होकर सर रूपम का चैनल मदर नेचर चैनल आप देख सकते हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगी बंगाली के हर एक विषय को बारीकी से समझने में। और अभी मैं शुरू करता हूँ अपने टॉपिक्स के ऊपर। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बेस्ड है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, तो दिल थाम के बैठिए, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। बारीकियों से जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है, बारीकियों से जानेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे इस चैनल में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे मन में कुछ सवाल हैं, उन सवालों के जवाब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पहला सवाल है कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, व्हाट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको अपने भाषा में डालना है कमेंट बॉक्स में। जवाब चाहिए मुझे कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, ठीक है। तो दूसरा और एक सवाल है मेरे मन में, दूसरा सवाल है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होता है। आपको ऑलरेडी बताया, आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा, 7 में पढ़ा, 8 में पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में विस्तार से पढ़ा था। तो उसी नॉलेज के दरमियान आपको इन सवालों के जवाब देना है। पहला सवाल है कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, अपने भाषा में देना है, और दूसरा सवाल है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक है। अभी मैं शुरू करता हूँ चैप्टर को विस्तार से। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, इस चैप्टर का जो पहला पॉइंट जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी, यानी करंट, यानी विद्युत। तो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी होता है जिस पावर की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी एक पावर होता है, इलेक्ट्रॉन जो है आपस में जुड़े हुए रहते हैं, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, और वही जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। आप लोग देखिएगा, अगर आप कभी कभार किसी टावर के नीचे जाते हैं, टावर के नीचे से गुजरते हैं, उस टावर में अगर वायर लगा हुआ रहता है जिस वायर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उस वायर के नीचे जब आप लोग खड़े हो जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो जो वायर जो है आपको खींच रहा है। क्यों खींच रहा है, क्योंकि उस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, जिस वजह से वो ऐसा लगेगा कि आपको खींच रहा है। तो अभी अगर इसे हम विस्तार से जानेंगे तो फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज द प्रेजेंस ऑफ फ्लो और चार्ज। इसका मतलब है बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो होती है वो प्रवाह यानी फ्लो, प्रवाह के आवेश में उपस्थित रहती है। बिजली जो होती है वो प्रवाह के आवेश में उपस्थित रहती है। अभी आप देख सकते हैं कि मोबाइल स्क्रीन में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है चार्ज के बारे में। पहला पॉइंट है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। इसका मतलब क्या होता है, ये जो है चार्ज जो है ये एटम का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दूसरा,
इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट बताया गया है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो लाइक चार्जेस होते हैं यानी पॉजिटिव चार्ज कभी भी निगेटिव चार्ज को रिपेल नहीं करेगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज के साथ अगर हम पॉजिटिव चार्ज को जोड़ दें तो फिर ये दोनों एक दूसरे से भागेंगे, जबकि पॉजिटिव चार्ज को अगर निगेटिव चार्ज के साथ जोड़ दिया जाए तो फिर ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे से भागते हैं, प्लस प्लस से भागेगा, माइनस माइनस से भागेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव से भागेगा, निगेटिव निगेटिव से भागेगा। लेकिन पॉजिटिव हमेशा निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और निगेटिव हमेशा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी जो है इसी बात को डिनोट कर रहा है। चौथा पॉइंट बताया गया है कि यहाँ पे इट्स एसआई यूनिट इज कोलम यानी सी। जो चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो है कोलम, और कोलम को हम लोग सी से डिनोट कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है चार्ज इज रिप्रेजेंट एज क्यू। चार्ज को जो है हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉलम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सी से और चार्ज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग क्यू के सहारे, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10^-19 कॉलम। मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि 1.6, ये स्पेशली 1.6 करेक्ट नंबर तो है नहीं, ये 1.60217662 है, लेकिन इसे शॉर्टकट हम लोग लिखेंगे 1.6। तो हमारे क्लास 10 के बुक में 1.6 ही दर्शाया गया है। तो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन यानी वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10^-19 कोलम, ठीक है। अभी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कोलम ऑफ चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं एक कोलम ऑफ चार्ज में? एक कोलम ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6.28 इंटू 10^18। तो ये इतना बड़ा नंबर है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए इस इतने बड़े नंबर को हम लोग शॉर्टकट तरीके से लिख सकते हैं कि 6.28 इंटू 10^18 इलेक्ट्रॉन्स। अभी बात करते हैं एटॉम्स के बारे में। तो एटॉम्स के बारे में आपके मोबाइल स्क्रीन में साफ तरीके से दर्शाया गया है कि एटॉम्स होते क्या हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन बी कॉल्ड एन एलिमेंट। एटॉम्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं और इन्हें एलिमेंट भी कहा जा सकता है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटॉम। जितने सारे मैटर हमारे आसपास मौजूद हैं सारे मैटर जो हैं एटॉम से बना हुआ है। तीसरा है एटॉम्स बने हुए हैं प्रोटोन से भी, जो कि पॉजिटिव फ्लो ऑफ चार्ज दिखाता है हमेशा। न्यूट्रॉन से भी बना हुआ है और इलेक्ट्रॉन से भी बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज को ही डिनोट करता है, प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज को डिनोट करता है और इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज को डिनोट करता है। अभी चार्ज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग दो पार्ट में विभाजित कर सकते हैं। पहला पार्ट है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए चलते हैं इन दोनों पार्टों के बारे में विस्तार से जानते हैं। How does static electricity work? Well, it's an imbalance between negative and positive charges in objects. But what does this mean? You have probably experienced it yourself when you pulled off a woolen sweater and the hairs on your arms stood up. Well, that's electrostatic energy. In practice, this could be bad, like when touching electronic parts or even people. But even without a woolen sweater, there's always a chance static electricity could build up. After watching this short clip, we can say that a stationary electric charge typically produced by friction, which causes sparks or crackling or the attraction of dust or hair. Example like walking across a carpet and touching a mat. Metallic door. In static electricity, the charge does not move from one place to another. Okay? मतलब ये है कि एक स्थिर विद्युत आवेश आमतौर पर घर्षण द्वारा उत्पन्न होता है,
जो स्पार्क या क्रैकिंग की वजह से पैदा होता है, जो कि धूल या बालों के आकर्षण का कारण बनता है। Paul is inspecting a gas plant. With each step he takes, he becomes more and more charged due to the rubbing of his arms with his clothing. Charged Paul touches a gas tap and he feels a spark. Paul has to repair a gas leakage. He walks through the gas plant and with each step he takes, he becomes more and more charged. The charges are coming from his feet and from above due to the rubbing of his arms with his clothing. Charged Paul approaches the gas pipe, which has a gas leakage, and touches the pipe. So I hope that by watching these short clips, you are easily learned about the point static electricity.